बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर अखिलेश यादव का तंज, भतीजे आकाश आनंद ने किया पलटवार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बसपा वही करती है जो भाजपा उसे करने के लिए कहती है। मायावती भाजपा से नहीं लड़ रही, वो अपनी एक बनाई हुई जेल में कैद है, उनका जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के लिए बहुजन समाज पार्टी को हमेशा जिम्मेदार ठहराने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर एक बार फिर से हमला बोला है। अखिलेश यादव ने मायावती को भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली नेता बताते हुए तंज कसा है। वो अपनी ही बनाई हुई जेल में बंद है और उनका जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। सपा प्रमुख का यह तंज मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को रास नहीं आया। आकाश आनंद ने अपने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्हें भ्रम का शिकार नेता बताया है। एक मीडिया चैनल के बातचीत के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बसपा वही करती है जो भाजपा उसे करने के लिए कहती है। यही वजह है कि मायावती के निशाने पर भाजपा नहीं बल्कि सपा होती है। बसपा चुनाव में भी ऐसे ही प्रत्याशियों को उतारती है जो सपा की हार का कारण बने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मायावती भाजपा से नहीं लड़ रही है, वो तो अपने एक बनाई हुई जेल में कैद है और मुझे लगता है कि उनका जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। अखिलेश ने कहा है कि यूपी के पिछले दो विधानसभा चुनाव में बसपा की सहायता के बिना भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के तीखे बोल बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद को रास नहीं आया। आकाश ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। कहा कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात वो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं अखिलेश यादव, न जाने किस भ्रम में है अखिलेश यादव। एक अन्य ट्वीट में आकाश आनंद ने पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ अखिलेश यादव की फोटो साझा करते हुए लिखा कि हाव भाव सारी कहानियां बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज दस्तक। देश भर की खबर से अपडेट रहने के लिए भीमराज दस्तक पेज को फॉलो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।